महाविकास आघाड़ी के घटक दल उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस के बीच सांगली सीट पर सहमति नहीं बन पाई। दोनों ही इस सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक सांगली की लड़ाई में उद्धव गुट और कांग्रेस कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं। उद्धव गुट ने पहले ही सांगली से चंद्रहार पाटिल के रूप में अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। महाविकास आघाड़ी के घटक दल उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस के बीच सांगली सीट पर सहमति नहीं बन पाई। दोनों ही इस सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक सांगली की लड़ाई में उद्धव गुट और कांग्रेस कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं। उद्धव गुट ने पहले ही सांगली से चंद्रहार पाटिल के रूप में अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। महाविकास आघाड़ी के घटक दल उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस के बीच सांगली सीट पर सहमति नहीं बन पाई। दोनों ही इस सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक सांगली की लड़ाई में उद्धव गुट और कांग्रेस कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं। उद्धव गुट ने पहले ही सांगली से चंद्रहार पाटिल के रूप में अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है।